इंदौर में नए पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभाला है, वहीं दूसरी ओर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां देर रात बदमाशों ने एक व्यापारी को चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और 1,30,000 से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दरअसल मामला पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के चंपा बाग में दुकान बंद करके घर जा रहे व्यापारी कपिल जूते चप्पल का व्यवसाय करते हैं, अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। इसी दौरान 3 बदमाशों ने व्यापारी का रास्ता रोका और चाकू की नोक पर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी के पास दुकान के रखे लगभग 1,30,000 रुपये बैग में रखे हुए थे, जो बदमाशों द्वारा लूट लिए गए। घटना की जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां फरियादी व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बैग चोरी हो गया। किस तरीके से बैग चोरी हुआ और कहां की घटना है? दुकान बंद करके निकले लड़के के साथ में, पीछे लड़का आया, दो लड़के आए, उसने आंख में कुछ डाला और हाथापाई हुई, चाकू खोला और बैग लेके भाग गया। वो 1,30,000 रुपए की घटना गुरुद्वारा के पीछे का है मटेरियल का। हाँ, दुकान बंद करके जा रहे थे। गुरुद्वारा के पीछे हाँ आँख पे मारा और पैर में, आँख में कुछ डाल दिया उन्होंने, मारा चाकू खोल लिया था उन्होंने। हाँ, हाथापाई हुई, वो भग गए बैग लेके। कितने लोग थे वहाँ? वो 2 लाख थे। दो लोग वहाँ थे, एक जगह पीछे खड़ा हुआ था उधर। अच्छा, आपका नाम बताओ? कपिल। क्या करते हो? जूते चप्पल व्यवसायी। सर, एक व्यापारी के साथ घटनाक्रम हुआ है, क्या जानकारी है और कहाँ का है व्यापारी? वो हमारे क्षेत्र का है, कोयला बाखल क्षेत्र है, वहाँ उसकी दुकान है, जूते चप्पलों का रॉ मटेरियल बेचता है। आज शाम को 7:30 बजे सब्जी को दुकान बंद करके घर जा रहा था, उसका घर उज्जैन में। तो घर जाते वक्त उन दुकान के पास में एक गली में उसके साथ 2 अज्ञात लोगों ने लूट कर दी है। उसके पास 1,30,000 समथिंग रुपए थे जो बैग में थे, बैग लेके चले गए वो। और अब उन लोगों के हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रहे हैं। फरियादी की तरफ से FIR कर ली गई है 293 की, अब धारक है। हाँ हाँ, वो कह रहे, बताया फरियादी ने कि चाकू दिखाकर वो लूट की हमारे साथ। हाँ, हमने टीम गठित कर दी है और हमारे सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, एडिशनल DCP साहब और CP साहब ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर मिश्रा जी हैं, वो उसकी विवेचना भी कर रहे हैं और उन्होंने पूरे घटनास्थल के CCTV फुटेज वगैरह देख लिया, संभावित जहाँ जहाँ मिल सकते हैं और जो रहेंगे कल देखेंगे वो।